हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। गांव पठा, ब्लॉक मैरोनी, जिला ललितपुर। गांव यहां पर पठा में जो बालचंद अहरवार का मकान बना हुआ था, इनका एक दुकान रखा था, जिसमें 30 तारीख की रात्रि में 10 बजे इस मकान में आग लगी हुई है। इन लोगों ने ग्रामवासियों की सूचित किया, जब इन लोगों को पता चला इसके बारे में तो ये लोग मौके पर आए तो यहाँ पर आग लग चुकी थी। फिर इनने पुलिस प्रशासन का मदद मांगा और मशीन आई, उसके द्वारा ये आग बुझाई गई है। और अभी तक इन लोगों ने 31 तारीख को इसके FIR भी की है और अभी तक ना तो कोई पुलिस प्रशासन, ना नेकपाल, ना तहसीलदार यहाँ पर कोई अभी तक जांच करने के लिए नहीं आया है। इसके अलावा आज इन लोगों ने मंगल दिवस में दरखास्त दी है। समाधान दिवस में किसकी आई? बहन जी, मेरे मकान में आग लग गई है, पूरा सामान जल गया, दुकान थी जो 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ है और FIR की वहाँ पे कोई तहरीर नहीं की जा रही है, ना कोई वहाँ पे जांच करने के लिए गया। मकान की 4 दीवारें भी ध्वस्त हो चुकी हैं, कोई भी सामान नहीं बचो वहाँ पे। 10 क्विंटल गेहूं, 10-12 क्विंटल सोयाबीन, चना, मटर, मसूर इत्यादि सभी सामान जलकर राख हो गए। इनके दूसरी दुकान के सहारे में अपने बच्चों का पालन पोषण करता था, अब मुझे कुछ नहीं बचा है। कैसे लगी थी? एक आकस्मिक घटना हुई, इससे कोई जानकारी नहीं कि कैसे लगा दी गई। हमारा दुकान से हम थोड़े दूर थे और अचानक आग लगी, गांव वाले ने सूचना दी, वहां हम पहुंचे तो मौका आए वारदात पे, जाने में असमर्थ पड़े, बहुत तेज़ी से लपटें निकल रही थी, जब तक देखा पूरा सामान जल गया था। FIR भी की थी। हाँ, तहसील लेखपाल गए थे, उन्होंने रिपोर्ट, झूठ रिपोर्ट लगा के हमको वहाँ से धक्का मुक्की करके भगा दिया। आज आपको किस तरह का आश्वासन मिला है? सर बोल रहे हैं कि आपने FIR दर्ज की है, अब थाने से आपका समाधान होगा, जब थाने से नहीं होगा तब हम देखेंगे। आपके कितने बच्चे? सर मेरे 3 लड़की, एक लड़का है। सर उसी दुकान के सहारे चला रहे थे, अब 2 दिन से हम सब परिवार से भूख से मर रहे हैं। तो हमारे बच्चों का भरण पोषण कर सकते? कितने तारीख की घटना है? 30 तारीख। लेखपाल ना तहसीलदार कोई नहीं गया सर, हमारे पास जमीन भी नहीं है सर, हम लोग उसी से चलावा चला रहे, मजदूरी कर रहे सर। हमारे बच्चे के लिए कुछ नहीं है खाने के लिए, हम दुकाने के सहारे से जी रही थी, 2 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। उतवाली सरकार कुछ नहीं सुन रही है, मेरी कुछ सुनाई नहीं हो रही है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।